हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आज मैं बात करने वाला हूँ HTTP सर्विसेज इन एंगुलर एप्लीकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, आपको पहले सर्विसेज वाला वीडियो देख लेना चाहिए। सर्विसेज वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, एंगुलर के प्लेलिस्ट पे। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा प्लेलिस्ट है एंगुलर 8.9 फुल ट्यूटोरियल इन हिंदी 2020। इसमें 14 नंबर वीडियो सर्विसेज का है, आप वहां से जाके उसको पहले वीडियो देख लीजिए, तब आप HTTP समझिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अपने वीडियो की तरफ आते हैं। और सबसे पहले अपने कोड को आप विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर लीजिए। मैंने भी ओपन कर लिया है हमारा। ये पिछला वीडियो जैसे हमने किया था, यूजर सर्विसेज सर्विसेज हमने बताया था, उसी के बारे में पूरा है। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम HTTP मॉड्यूल को एनेबल करेंगे। HTTP सर्विस को एनेबल करने के लिए आपको ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे जाना होगा। तो ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस हमारा ये है, और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल को। इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ओके, और यहाँ पर हम इंटर कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे एरर जनरेट होना चाहिए क्योंकि अभी इसको हमने इंपोर्ट किया नहीं है। ये देखो आ गया। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, ऊपर आना है, इसी चीज़ को कॉपी कर लेना है आपको। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको इम्पोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर डालेंगे इम्पोर्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और ये हमारे किसकी लाइब्रेरी है, फ्रॉम @angular के अंदर कॉमन के अंदर /HTTP। ओके, अब देखो ये एरर दूर हो गया होगा, अब एरर हट गया है। अब अभी हमने क्या किया, सिंपली अपने अपने HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हूँ। इंपोर्ट करने से अब हमारा HTTP सर्विस एनेबल हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप पे हमें क्या करना है, अपने यूजर सर्विसेज पे जाना है और यूजर सर्विसेज पे हमें HTTP सर्विस को इंजेक्ट करना है, HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे प्राइवेट HTTP कोलन HTTP क्लाइंट। ओके, नाउ इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि HTTP क्लाइंट को, क्लाइंट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, कोलन HTTP क्लाइंट। ओके, ये हमारा है और इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया HTTP क्लाइंट को। देखो @angular /common/HTTP की लाइब्रेरी है। ओके, अब हम क्या किए, दो स्टेप किए हमने। सबसे पहले HTTP को एनेबल किया, HTTP सर्विस को, और दूसरा हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया HTTP क्लाइंट को। अब क्या करेंगे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है इस एरे की। अब यहाँ पे हम सिंपली डायरेक्टली एक हम URL उठाएंगे, उस URL के थ्रू हम अपने डेटा को फेच करने वाले हैं। और URL हम कहाँ से उठाएंगे, हम डमी URL उठाएंगे JSON प्लेस होल्डर से। JSON प्लेस होल्डर, आप JSON प्लेस होल्डर टाइप करके एंटर कर देना, और एंटर करते ही आपकी JSON प्लेस होल्डर की वेबसाइट, आपकी लिंक आपके सिस्टम पे अपीयर हो जाएगी। और ये पहला लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखो, आपको रिसोर्स मिलेगा, रिसोर्स यूजर्स को प्रिंट करा रहे हैं, तो हम यूजर्स को ही क्लिक करेंगे। जब यूजर्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ डमी डेटा हमें दिखेगा, ID जिसकी 1 है, नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है एंड एड्रेस है। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कुछ डमी डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह सब कुछ आ रहा है, गूगल लोकेशन वगैरह। तो हम अपन क्या करेंगे, इस लिंक को सिंपली हम कॉपी करने वाले हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने अगेन इस पर आ गए और यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं this.http. जैसे ही this.http. करेंगे, यहाँ HTTP के सारे मेथड हमें दिखने लगेंगे, डिलेट मेथड, गेट मेथड, हेड मेथड, JSONP मेथड, ऑप्शन मेथड, पैच, पुट, पोस्ट, रिक्वेस्ट। ये सारे मेथड के थ्रू हम डेटा को रिट्राइव करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं। ओके, सबका अलग अलग काम है। तो अभी फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, गेट से हम डेटा को उठाने वाले हैं और यहाँ पर हम वो URL पास करने वाले हैं और इस पर हम टर्मिनेट करने वाले हैं और इसको सेव कर देंगे कि हमने डेटा को तो ले लिया। अब देखो यहाँ पे एरर जनरेट करने लगा कि SRC ऐप के अंदर ऐप कंपोनेंट डॉट TS में जो डेटा है आपका ऑब्जर्वेबल टाइप का नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं हो पा रहा, इसलिए इसका कुछ एरर दे रहा है। तो यहाँ दिखा भी रहा है कि प्रॉपर्टी आपकी एनी टाइप की है, लेंथ पॉप पुश नॉट मोर 25 समथिंग समथिंग एरर है। ठीक है, तो अपन इसको दूर करेंगे, पहले डेटा को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ऑब्जर्व कहाँ करेंगे, ऐप कंपोनेंट डॉट TS पे। तो ऐप कंपोनेंट डॉट TS पे अभी ये हमारा आ रहा है, हम इसको हटा दे रहे हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको हमने रिमूव कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है, अब डेटा तो ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन डेटा हम अभी तब तक नहीं पा सकते जब तक हम डेटा को सब्सक्राइब नहीं करेंगे।
एंगुलर में डेटा को सब्सक्राइब करने के बाद डेटा को हम रेंडर करा सकते हैं। ओके, तो डेटा को सब्सक्राइब करने के लिए अब हमें ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस पे सबसे पहले तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं सबसे पहले, एरर दूर हो जाए, ठीक है, क्योंकि डेटा को हम ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। लेकिन अब उसे हम डेटा को सब्सक्राइब करना है, तो तीसरा स्टेप ये था कि सबसे पहले आपको वो सर्विस को इम्पोर्ट करना पड़ेगा जहाँ पे डेटा आप रिट्राइव कराना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट ऑलरेडी कर रखा है, पिछले वीडियो हमने इसको अच्छे से बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख लीजिए सबसे पहले। तो अब हमें जब उसके बाद हम सर्विसेज को हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे अपने डेटा को सब्सक्राइब करने गए। बिना सब्सक्राइब के डेटा आप नहीं रेंडर करा सकते, कोई भी आप डेटाबेस से आप बिना सब्सक्राइब किए डेटा को रेंडर नहीं करा सकते। या तो लोकल डेटा को आपको अगर रेंडर कराना है तो लोकल डेटा, जैसे हमने सर्विसेज वाले वीडियो में बताया, लोकल डेटा को आप अपने मैनुअली पुट करके उसी को रेंडर करा सकते हैं। अदरवाइज जब भी कोई डेटा डेटाबेस से आप फेच करेंगे तब आपको सब्सक्राइब कराना पड़ेगा डेटा, ठीक है, ऑब्जर्वेबल के थ्रू। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डेटा सब्सक्राइब करने के लिए हम सिंपल सा यहाँ डॉट सब्सक्राइब यूज़ करेंगे, डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज़ करेंगे, और हम डेटा पे सारा डेटा यहाँ पे ले लेंगे। कॉल बैक फंक्शन के थ्रू यहाँ पे हम डेटा को रिट्राइव करेंगे, और डेटा कहाँ रखेंगे, माई डेटा में अपने। तो मैं यहाँ पे माई डेटा, दिस डॉट माई डेटा इज इक्वल डेटा, और इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ओके, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं, हम एनी टाइप का डेटा ले रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो इस वजह से हमारा एरर दे रहा था, तो हमने इसको हटा दिया, तो अब एरर दूर हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारा अभी फिलहाल आउटपुट कैसा दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे अपने सिंपल ऐप पे आते हैं, तो अभी हमारा यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आईडी, नेम, यूजर नेम एंड ईमेल दिख रहा है बस। अब देखो नेम की जगह पर नेम आ गया, आईडी की जगह पे आईडी आ गया, बट यूजर नेम नहीं आ रहा, ईमेल नहीं आ रहा। तो यूजर नेम ईमेल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम यहाँ पे ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पे यहाँ पर हम यूजर नेम नहीं दिए, यहाँ पर देंगे यूजर नेम और यहाँ पर टाइप करेंगे ईमेल और सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे डेटा देखते हैं कि हमारा क्या डेटा आ रहा है, परफेक्ट। ये देखो आईडी पे आईडी आ रही है, नेम पे नेम आ रहा है, यूजर नेम पे यूजर नेम आ रहा है एंड ईमेल पे ईमेल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे 10 डेटा हैं, तो ये सारे 10 डेटा को आप फिर से आप तो इस तरीके के डेटा को आप रेंडर कराते हो थ्रू द एचटीटीपी सर्विसेज। ओके, तो एंगुलर 8 और एंगुलर 9 में सर्विस एचटीटीपी सर्विसेज यूज करना बहुत ही ईजी है, आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको तीन स्टेप में करना है। सबसे पहला स्टेप आपको इनेबल करना है अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में एचटीटीपी सर्विसेज को, सेकंड हमें यूजर सर्विसेज में एचटीटीपी क्लाइंट क्लाइंट को इंजेक्ट करना है, एंड थर्ड पॉइंट है आपका ऐप कंपोनेंट में आके अपने सर्विसेज को इंजेक्ट करना है, और आफ्टर दैट आपको फोर्थ पॉइंट है डेटा को सब्सक्राइब करना है। ओके, डेटा को सब्सक्राइब करने के बाद जहाँ भी डेटा चाहो आप उस वेरिएबल में आप पूरा डेटा स्टोर कर सकते हो, और उसके बाद आप एचटीएमएल कंपोनेंट पे आके डेटा को रेंडर करा सकते हो, सिंपली एंड वेरी इजी मेथड। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो भी आप हमें कमेंट दीजिए, आपको हम फिर से और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करके बताएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।